हाँ बेटा, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग बेटा ऑल ऑफ यू। हाँ राजू बेटा गुड इवनिंग, ममता बेटा गुड इवनिंग, राहुल गुड इवनिंग। सर मस्त पढ़ाते हैं आप राजू। थैंक यू बेटा, थैंक यू, सुपर डुपर सर। ओके बेटा, थैंक यू बेटा, राजू बेटा बहुत बहुत थैंक यू। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अब देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल अकॉर्डिंग टू प्रोटोकॉल, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम इंट्रोड्यूस अबाउट माई सेल्फ। माई सेल्फ डॉक्टर मनीष दुबे, माई पीएचडी फंडेड फ्रॉम इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। आई एम सीनियर फैकल्टी ऑफ जूलॉजी, सर्वोत्तम इंस्टीट्यूट कोटा, आकाश इंस्टीट्यूट दिल्ली एंड जीसीआई सीकर। आई एम ऑल्सो ऑथर ऑफ 4 बुक्स एंड 22 रिसर्च पेपर। माई टोटल टीचिंग एक्सपीरियंस मोर देन 12 ईयर्स। ड्यूरिंग दिस पीरियड मोर देन 5,000 डॉक्टर्स अंडर माई मेंटरशिप। आई विल हेल्प यू टू डेवलप क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट विद बेस्ट नोट्स। क्रैक नीट यूजी विद इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अन अकेडमी। इस प्लेटफॉर्म पर आने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इंस्टॉल करना होगा अन अकेडमी लर्निंग ऐप। देन आपको उसमें एक ऑप्शन आएगा गेट सब्सक्रिप्शन फॉर प्लस सब्सक्रिप्शन। अगर आप अन अकेडमी लर्निंग ऐप पर आते हैं तो आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगे आपको बेटा, ठीक है, जिसमें आप अपने एडुकेटर के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं। स्ट्रक्चर्ड कोर्स होंगे, लाइव टेस्ट एंड क्विज होंगे, अनलिमिटेड एसेस। फी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो 24 मंथ का जो फी स्ट्रक्चर है वो 32,400 है, और 12 मंथ का जो फी स्ट्रक्चर है वो 27,000 है। 12th और 13 के लिए 12 मंथ का बेटर है, और 11th क्लास के स्टूडेंट के लिए 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन बेटर है। कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको कोड यूज करना है MD001, आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। और इस सब्सक्रिप्शन को लेने से आपको इंडिया के किसी भी एडुकेटर की लाइव या रिकॉर्डेड वीडियो वॉच करने का मौका मिलेगा। हमारा कोर्स स्टार्ट था ही जो 11th क्लास के लिए भी है, और NEET 21 और NEET 22, यानी 12th वाले बच्चे हैं तो उनको NEET 22 में हेल्प करेगा, और 11th वाले बच्चे हैं तो उनको NEET 22 में, और 12th वाले के लिए NEET 21 के अंदर। अपने फीचर्स इस कोर्स के मैंने बताई दिए थे आपको। ह्यूमन फिजियो हमने स्टार्ट किया, इसमें पहला सब चैप्टर स्टार्ट किया है डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में हमने कुछ चीजें हो चुकी हैं, मैं बता दूं इसका वेटेज मैं बता चुका हूं। अप्रोक्सीमेटली 2 क्वेश्चन का वेटेज ईच एंड एवरी ईयर रहा है। 2 क्वेश्चन का मतलब 8 मार्क्स, बहुत तगड़ा वेटेज है। डाइजेशन क्या था बता चुका हूं मैं, डाइजेस्टिव ट्रैक क्या था बता चुका हूं मैं, बकल कैविटी क्लियर कर चुका हूं, टंग भी मैं बहुत अच्छे से क्लियर कर चुका हूं, रिविजन भी करा चुका हूं टंग का मैं। देन फाइनली हम आ गए थे टंग के बाहर, क्वेश्चंस भी मैंने डिस्कस कर लिए थे। टंग के बाद हम आ गए थे टीथ। अब थोड़ा टीथ से मैं स्टार्ट करता हूँ, एक बार रिवाइज करा देता हूँ टीथ। अगर ह्यूमन टीथ की बात करते हैं बेटा, तो ह्यूमन टीथ के केस में मैंने बताया था कि बेटा सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ टूथ। अगर हम टीथ के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो टीथ का वो पार्ट बेटा जो हमें दिखता है इसको हम क्राउन बोलते हैं, क्लियर है बिल्कुल। और टीथ का वो पार्ट जो सॉकेट में फंसा हुआ है इसको हम रूट बोलते हैं। रूट जो सॉकेट के अंदर है, क्राउन जो बाहर दिख रहा है, और नेक उसके बीच का पार्ट जहां पर मसूड़े या गम्स देखने को मिलते हैं उसको हम नेक बोलते हैं, क्लियर है। तो उसको हमने यहाँ लेबल भी कर दिया है कि क्राउन, रूट लोअर वाला पार्ट, और नेक मिडिल वाला पार्ट, ये हम क्लियर क्लियरिफाई कर चुके थे, ठीक है। फाइनली हमने डिटेल ऑफ स्ट्रक्चर की बात की थी। डिटेल स्ट्रक्चर में मैंने बताया था बेटा कि हमारे टीथ के अंदर एक कैविटी होती है, इस कैविटी को पल्प कैविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पल्प कैविटी। और पूछा जाए कि पल्प कैविटी में क्या क्या होता है, आप जानते हो पल्प कैविटी इंटरनली लाइंड होती है कुछ सेल से, इनको बोलते हैं ऑडेंटोब्लास्ट सेल। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था आपको, जो लास्ट लेक्चर का रिवीजन करा रहा हूं बेटा,
लास्ट लेक्चर में बताया था कि हमारी जो पल्प कैविटी होती है इंटरनली लाइंड होती है और डेंटोब्लास्ट सेल से, ठीक है, और तो इन सेल को रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, आर्टरी की, वेन की, लिम्फ वेसल्स की, नर्व की, यानी ये सब चीज जो भी एक सेल्स को रिक्वायरमेंट होती है वो सारी चीजें इस पल्प कैविटी में मिलती हैं। क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट इन पल्प कैविटी ऑफ टीथ, आप बोलोगे आर्टरी, वेन, लिम्फ वेसल्स एंड नर्व। अगर हम इनेमल की बात करते हैं बेटा, तो टीथ के ऊपर जो व्हाइट वाला पार्ट दिख रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, इनेमल। इनेमल इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ अवर बॉडी, क्योंकि इनेमल का फॉर्मेशन मैंने बताया था इसमें 95 to 96% इनऑर्गेनिक सब्सटेंस या आइंस होते हैं, साल्ट होते हैं, ठीक है, जो इसको स्ट्रॉन्गेस्ट बनाने में हेल्प करते हैं। जो किस फॉर्म में होते हैं, आप बोलोगे ये हाइड्रोक्सी एपेटाइट की फॉर्म में होते हैं। तो इनेमल को बनाने वाले सेल क्या थे, एमीलोब्लास्ट, और एमीलोब्लास्ट सेल इनेमल को सिर्फ एक ही बार बनाते हैं, बार बार नहीं बनाते, और इनेमल हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट मटेरियल होता है क्योंकि इसमें 95% हाइड्रोक्सी एपेटाइट होता है जो डिफरेंट मिनरल्स और आयन का कॉम्बिनेशन है। जबकि अगर हम टीथ के बोनी पार्ट की बात करते हैं, जो नीचे वाला पार्ट दिख रहा है ये बोनी पार्ट ऑफ टीथ है बेटा। बोनी पार्ट का मतलब है क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोक्सी एपेटाइट कंपेरेटिवली कम है, अप्रोक्सीमेटली 70% के आसपास होता है, ठीक है, तो इसलिए उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता जितना स्ट्रॉन्ग हमारे इनेमल होते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखना है। और इनेमल को बनाने वाले सेल को क्या बोलते हैं, अमीलोब्लास्ट, लाइफ में एक बार बनाते हैं इनेमल को, और डेंटाइन को बनाने वाले सेल को क्या बोलते हैं, ओडेंटोब्लास्ट, ये लाइफ टाइम हमारे डेंटाइन को बनाते रहते हैं और रिपेयर करते रहते हैं। यहां तक कोई डाउट था बेटा? कंचन बेटा गुड इवनिंग, ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। फिर मैंने ये मेन जो क्वेश्चन बनते हैं वो इन तीनों पर बनते हैं, पर एक चीज और है इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है आपको, सीमेंटम। सीमेंटम मैंने बताया था इट इज अ कोलेजन फाइबर, मैंने बोला भी था कि हमारे जॉ बोन में इस तरीके से प्रोजेक्शंस होते हैं बेटा। इन प्रोजेक्शंस के, मानो ये जॉ बोन है, लोअर जो है उसकी बोन है, इन प्रोजेक्शन में हमारे टीथ फंसे हुए होते हैं इस तरीके से, और जो टीथ हमारे सॉकेट में फंसे हुए होते हैं तो ऐसे टीथ को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, थीकोडॉन्ट, बहुत बढ़िया, थीकोडॉन्ट। तो इन थीकोडोन टीथ को इन सॉकेट में फिक्स करने के लिए यहां कॉलिजन फाइबर होते हैं, इन कॉलिजन फाइबर को ही क्या होते हैं, कॉलिजन फाइबर, इन कॉलिजन फाइबर को ही हम क्या बोलते हैं, सीमेंटम, क्योंकि कॉलिजन फाइबर का कैल्सिफिकेशन होता है और एक जॉइंट बनता है। ये कैसा जॉइंट होता है, इमूवेबल जॉइंट, जो मैं आगे बोन्स में पढ़ाऊंगा बेटा, कि हमारे जो क्रेनियम होता है और हमारे टीथ की बोन, टीथ जिस बोन में फंसे हुए होते हैं यहां पर इमूवेबल जॉइंट होते हैं, जो कार्टिलेजनस जॉइंट है, जो कार्टिलेज के जो जो फाइबरस जॉइंट है, सॉरी बेटा, जो कॉलिजन फाइबर के डिपोजिशन से, इनके कैल्सिफिकेशन से इनका फॉर्मेशन होता है। तो सीमेंटम ध्यान रखना है बेटा, कॉलिजन फाइबर और कैल्शियम का समझना इंटरेक्शन है जो टीथ को सॉकेट में फिक्स करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और कॉलेजन फाइबर टीथ को पेरिडोनल लिगामेंट की हेल्प से यहां पर जोड़ते हैं, यानी इस पल्प कैविटी में चारों तरफ लगे होते हैं पेरिडोनल लिगामेंट, ये टीथ फंस गया और टीथ और इनके बीच में जो भरे होते हैं वो क्या होते हैं, कॉलेजन फाइबर, कैल्सीफाइड कॉलेजन फाइबर, और बनाते हैं सीमेंटम जो टीथ को हमारे जॉ में फिक्स करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये एकदम क्लियर था, रूट में बताई चुका था, रूट के अंदर रूट कैनाल होती है, कैनाल का मतलब इस कैनाल के अंदर वो सब कुछ होगा, यानी आर्टरी होगी, वेन होगी, लिम्फ वेसल्स होगी, नर्व होगी, ये सब चीजें इस कैनाल के अंदर होती हैं। ये कैनाल जिस ओपनिंग से पास आउट होती है, ओपनिंग को बोलते हैं फोरामेन, कहीं पर भी कोई भी ओपनिंग हो तो टर्म यूज करेंगे फोरामेन, फोरामेन मतलब ओपनिंग, तो इस ओपनिंग को बोलते हैं एपिकल फोरामेन, जहां से ये रूट कैनाल पास आउट होती है। तो बेसिक स्ट्रक्चर में बताई चुका था, इसमें आपको जो मेमोरेबल चीजें हैं वो सीमेंटम ध्यान रखना है, डेंटाइन ध्यान रखना है, और इनेमल, और सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी जो क्वेश्चन की होती है वो इनेमल। तो इनेमल में मैं बताया था बेटा, जो हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, ठीक है, द हार्ड च्यूइंग सरफेस कवरिंग ऑफ टीथ इज मेड अप ऑफ इनेमल, बता चुका हूं मैं, एनसीईआरटी की लाइन भी है, विच हेल्प इन मैस्टिकेशन ऑफ फूड, दिस इनेमल इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द बॉडी, और जिसको बनाने वाले सेल को क्या बोलते हैं, एमेलोब्लास्ट, और ओरिजिन मत भूल जाना, इनका ओरिजिन क्या होता है, एक्टोडर्मल, यानी एनेमल का ओरिजिन क्या होता है, एक्टोडर्मल, जबकि बोनी पार्ट को बनाने वाले जो सेल्स होते हैं ओडेंटोब्लास्ट, और इनका ओरिजिन क्या होता है, मीजोडर्मल, ये क्वेश्चन आता है। इनेमल में मैंने बताया था हार्डेस्ट होता है क्योंकि इसमें 96% इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, यानी हाइड्रोक्सी एपेटाइट होता है,
96% होने की वजह से हार्डनेस ज्यादा होती है, जबकि डेंटाइन के अंदर 70% ऑयली सब्सटेंस ज्यादा होते हैं 30%, जबकि सीमेंटम में लगभग लगभग 50% दोनों होते हैं। फिर ये बहुत, ये समझ लो लगभग लगभग क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी रहती है इस पर, तो मैंने कल बहुत अच्छे से समझा भी दिया था, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं बेटा। अगर आपसे पूछा जाए टाइप्स ऑफ टीथ इन ह्यूमन, तो आप बोलोगे कितने टाइप्स की टीथ होते हैं ह्यूमन में, फोर टाइप के टीथ होते हैं बेटा। ठीक है, बहुत बढ़िया, कई लोग तो चलो ठीक है, मैं कंटिन्यू करता हूं। तो बेटा ध्यान रखना है आपको, सबसे पहले टीथ कैसे होते हैं हमारे, डाइफायोडॉन। डाइफायोडॉन का मतलब होता है ऐसे टीथ जो टू टाइम, इनके टू सेट होते हैं, उनको डाइफायोडॉन बोलते हैं। तो मैंने लिख भी दिया है टू सेट ऑफ टीथ। अब टू सेट में भाई, एक तो मिल्क वाले टीथ होते हैं बेटा जिनको हम दूध के दांत बोलते हैं, और एक जो बाद में रिप्लेस होकर के बनते हैं कंप्लीट, उनको एडल्ट वाले टीथ बोलते हैं। आप समझना दोनों पे क्वेश्चन कैसे आएगा। सबसे पहले हम बोलते हैं टेम्परेरी टीथ, टेम्परेरी का मतलब है जो अभी आ गए हैं, देन बाद में क्या होंगे, रिप्लेस होंगे। ठीक है, इनको हम डेसिडुअस भी बोलते हैं, इनको हम मिल्क टीथ भी बोलते हैं, या इनको प्राइमरी डेंटिशियन भी बोलते हैं। चारों तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग टीथ इंक्लूडेड इन प्राइमरी डेंटिशियन, या डेसिडुअस टीथ कौन से होते हैं, या टेम्परेरी टीथ कौन से होते हैं। तो ध्यान रखना कितने टीथ होते हैं बेटा, 20 टीथ जो होते हैं वो डेसिडुअस टीथ होते हैं या टेम्परेरी टीथ होते हैं। कौन कौन से होते हैं, जो बच्चों में होते हैं, ठीक है, यानी 2 ईयर तक के बच्चे के अंदर ये टीथ आ जाते हैं, और 6 to 7 ईयर के बाद ये रिप्लेस होना स्टार्ट हो जाते हैं। समझना मेरी बात, तो इंसिसर बच्चों में होते हैं, कैनाइन बच्चों में होते हैं, प्रीमोलर नहीं होते। मोलर में भी फर्स्ट और सेकंड मोलर होगा, थर्ड मोलर यहां पर नहीं होगा। तो टोटल 20 टीथ हो गए, तो आप काउंट करोगे 2 और 1 3 एंड 2 5 हो गए। तो ये हम अपर हाफ जो की बात करते हैं, तो हाफ जो में अगर 5 है तो उस वाले हाफ जो में भी 5 होंगे, फिर लोअर वाले हाफ में भी 5 होंगे, इधर वाले भी हाफ में 5 होंगे, तो टोटल 20 टीथ हो गए। तो इंसिसर 2 कैनाइन 1, सब में 4 का इंटू करते जाओगे, तो टोटल टीथ कितने हो गए, 20। क्योंकि हम जब भी काउंट करते हैं किसी भी जो के हाफ पार्ट का काउंट करते हैं, क्योंकि तो हाफ में जो होंगे अगले हाफ में भी उतने ही होंगे, फिर नीचे वाले जो में भी हाफ हाफ में उतने ही होंगे। ठीक है, जबकि अगर मैं बात करता हूं परमानेंट टीथ की, तो परमानेंट टीथ में को हम क्या बोलते हैं बेटा, एडल्ट टीथ भी बोलते हैं, या इनको सेकेंडरी डेंटिशियन भी बोलते हैं। अब सेकेंडरी के अंदर क्वेश्चन आएगा कितने टीथ ऐसे होते हैं जो रिप्लेस होते हैं, दोबारा से आते हैं, तो आप बोलोगे 20 टीथ ऐसे होते हैं जो रिप्लेस होकर के दोबारा आते हैं, क्योंकि प्राइमरी टीथ मैंने बताया ब्रेक कर जाते हैं, देन अगेन फिर से होते हैं जो परमानेंट टीथ में कन्वर्ट होते हैं। और 12 टीथ कैसे होते हैं, जो लाइफ में एक ही बार आते हैं और एडल्ट टीथ का पार्ट है, परमानेंट टीथ का पार्ट है, इनको मोनोफायोडोंट भी बोलते हैं। मोनोफायोडोंट का मतलब होता है जो लाइफ में एक ही बार आते हैं, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा आपको कि मोनोफायोडोन टीथ कितने होते हैं बेटा, 12, और 20 टीथ कैसे होते हैं, रिप्लेस होकर के अगेन आते हैं, और टोटल टीथ कितने हो जाते हैं, 32। तो इन 32 टीथ को हम बोलेंगे परमानेंट टीथ। और ध्यान रखना परमानेंट टीथ अगर गए तो दोबारा नहीं आएंगे। अगर हाँ टीथ का क्राउन वाला पार्ट टूट जाता है, रूट है, तो वो दोबारा क्रिएट हो सकता है, पर रूट के साथ ही टीथ बाहर निकल गया तो वो दोबारा क्रिएट नहीं होगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो इसमें इंसिसर कितने होते हैं, 2, कैनाइन कितने होते हैं, 2, प्रीमोलर नहीं थे पहले, अब प्रीमोलर आ चुके हैं, ठीक है, थर्ड मोलर नहीं था, अब थर्ड मोलर भी आ चुका है, तो टोटल कितने हो गए यहाँ पर टीथ, 8, तो 8 × 4 करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 32, तो टोटल टीथ कितने होते हैं, 32। तो ये वाली बात तो समझ में आ गई बेटा कि डाइफायोडोन टीथ के अंदर टू सेट ऑफ टीथ होते हैं बेटा, एक सेट को हम टेम्परेरी डेसिडुअस मिल्क या प्राइमरी डेंटिशन बोलते हैं, इसमें 20 टीथ होते हैं, और क्वेश्चन आए कि इन 20 टीथ में कौन से टीथ नहीं होते, आप बोलोगे प्री मोलर नहीं होते और थर्ड मोलर भी नहीं होता। परमानेंट एडल्ट या सेकेंडरी डेंटिशन में बता चुका हूं बेटा 32 टीथ होते हैं, ठीक है, इसके अंदर 20 रिप्लेसिंग होते हैं जो रिप्लेस होकर के आए हैं बेटा, और 12 मोनोफायोडोंट होते हैं जो ओनली एडल्ट में ही होते हैं, ठीक है, मिल्क टीथ में नहीं होते। सेकेंड सेट में, सेकेंड टाइप में आते हैं हम थीकोडोंट। थीको मतलब होता है धसे हुए, सॉकेट में फिक्स, टीथ प्रेजेंट इन सॉकेट, तो ऐसे टीथ को हम बोलते हैं, ठीक है, थीकोडोन। और थर्ड हमने बताया था ब्यूनो, मैंने बताया भी था, ब्यूनो का मतलब होता है हमारे टीथ का जो क्राउन होता है, छोटे छोटे क्राउन होते हैं हमारे टीथ के,
और क्राउन पर जो सरफेस बने होते हैं स्पेशली प्रीमोलर और मोलर पर, इनको हम क्या बोलते हैं, कस्प बोलते हैं या क्राउन बोल सकते हो। तो हमारे छोटे छोटे क्राउन होते हैं, तो छोटे क्राउन वाले टीथ को हम बोलते हैं ब्यूनोडॉन। ब्यूनोडॉन का मतलब होता है स्मॉल क्राउन, टीथ विद स्मॉल क्राउन, तो उनको बोलते हैं ब्यूनोडॉन। और नंबर फोर्थ टाइप में लिखोगे आप हेट्रो। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ। डिफरेंट टाइप में कौन कौन से टाइप आ गए, इंसिसर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। इंसिसर को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, कैनाइन को सी से करते हैं, प्रीमोलर को पी एम से करते हैं और मोलर को एम से करते हैं। आप जानते हो इंसिसर आगे वाले टीथ होते हैं, काटने में यूज होते हैं। कैनाइन शार्प टीथ होते हैं, चीरने में यूज होते हैं, टीयरिंग टीथ होते हैं। आप समझ गए ना, कल समझाए भी थे मैंने, कैंसर से रिलेटेड बातें भी बताई थी मैंने इसके बारे में, ठीक है। और ये दोनों के दोनों कैसे होते हैं, ग्राइंडिंग टीथ। रूट पर क्वेश्चन आता है क्योंकि एनसीईआरटी में दे रखा है। ध्यान ये रखना है आपको कि प्री मोलर और मोलर में तो याद ही रखना आपको वन रूट होती है, अपर जॉ हो या लोअर, बस याद कहां रखना है आपको, सॉरी इंसिसर और कैनाइन में तो आपको याद ही रखना वन रूट, अपर या लोअर। याद कहां रखना है आपको, प्री मोलर के केस में याद रखना है और मोलर के केस में याद रखना है, ठीक है। अगर मैं प्री मोलर की बात करता हूं तो मैंने बताया भी था, याद कैसे रखोगे आप भाई, एक अपर जो है एक लोअर जो है। अपर जॉ में अगर टीथ को होल्ड करोगे तो मजबूती ज्यादा देने पड़ेगी, लोअर जॉ में इतना भाई, लोअर जॉ में तो रखे हुए हैं तो यहाँ इतनी स्ट्रांगनेस की रिक्वायरमेंट नहीं है, समझना बेटा। अपर जॉ में हमेशा लोअर जॉ से एक रूट ज्यादा होती है। तो अगर मैं प्री मोलर की बात करता हूं तो प्री मोलर में अपर जॉ में टू है तो लोअर जॉ में कितने होंगे, वन, समझना। और मोलर की बात करता हूं जो बड़े होते हैं इनसे, तो अपर में कितने होंगे, थ्री, तो लोअर में कितने होंगे, एक कम टू। बस आपको ऐसे याद रहेगा कि अपर में हमेशा एक ज्यादा होता है लोअर से। ये केस किस में आएगा, प्रीमोलर और मोलर के केस में। तो रूट भी आपको याद रहेंगे कि इंसिसर और कैनाइन में वन वन रूट, अपर हो या लोअर हो। प्रीमोलर में अपर में टू तो लोअर में वन, मोलर में अपर में थ्री तो लोअर में टू, याद रहेगा आपको। ये डायग्राम क्वेश्चन बनता है उस डायग्राम बेस्ड, एनसीईआरटी का डायग्राम डायरेक्टली पूछेगा, पूछेगा इस तरीके ये डायग्राम छाप देगा, पूछेगा किसका डायग्राम है बताओ, किसका है, लोअर या अपर। आप बोलोगे कितनी रूट दिख रही है, वन टू थ्री, तो आप बोलोगे ये तो अपर मोलर है, अपर मोलर में कितने होते हैं, थ्री रूट, और लोअर में कितने होते हैं, टू। अब यहां ध्यान से देखो, यहां क्या है, ये पीछे वाला एक होगा और ये आगे वाला ये दो होगा, ठीक है। तो आप ये बोलोगे ये क्या है, आप बोलोगे ये तो टू रूट है। टू रूट किसके अंदर होते हैं, तो आप बोलोगे टू रूट अपर जो का दिखा रखा है इन्होंने, तो टू रूट किसमें होंगे, आप बोलोगे ये तो अपर प्रीमोलर है, पर अगर लिख करके आ जाए तो उसको आप लोअर मोलर भी बोल, लोअर मोलर भी बोल सकते हो। यहां तक समझ में आ गया होगा, लोअर मोलर या अपर प्रीमोलर, टू रूट होते हैं उसके अंदर। और ये आप समझ गए, इंसिसर एंड कैनाइन इनमें एक ही एक रूट होते हैं। या नंबरिंग से भी कुछ ये इरेज कर देंगे इनको, इंसिसर कैनाइन प्रीमोलर मोलर को हटा देंगे, नंबर लिखे हुए होंगे, आपको आइडेंटिफाई करना होगा कौन सा नंबर किस टीथ का है। तो आप जानते हो इंसिसर दो होते हैं, तो नंबर वन एंड टू इंसिसर को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रीमोलर कैनाइन एक होता है तो कैनाइन सी थर्ड को मोलर रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रीमोलर फोर और फाइव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये कौन हो गए, प्रीमोलर। और आप जानते हो सिक्स सेवन और एट नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मोलर। तो कभी कभी ये इरेज कर देगा, वन टू थ्री लिखे होंगे, इनको आइडेंटिफाई करना होगा, आप समझ जाओगे कौन सा क्या है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं है। थर्ड मोलर आप समझ गए, इसको विजडम टीथ बोलते हैं, अक्कल दाढ़ बोलते हैं। और ये मैंने बता ही दिया है आपको कि आपको मोनोफायोडोंट में टीथ पूछेगा तो क्या बोलोगे, कितने टीथ होते हैं मोनोफायोडोंट, 12 होते हैं, जिसमें प्री मोलर होते हैं और थर्ड मोलर होता है। मैंने बताई दिया था आपको कि भाई थर्ड मोलर टीथ को हम विजडम टीथ बोलते हैं, ठीक है, जो कब आता है, 17 से लेकर के 21 ईयर के आसपास आता है, क्लियर था। थर्ड मोलर विजडम टीथ 17 to 21 ईयर, ठीक है, कोई फिक्स नहीं है। तो मैंने बताया भी था कल आपको कि पहले जो क्राइम करते थे बच्चे तो उनको पनिशमेंट इस टीथ के बेस पर देते थे, ये टीथ है तो हम मानते थे वो एडल्ट है, उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए, और टीथ नहीं है तो मानते थे वो एडल्ट नहीं है, उसको बाल सुधार गृह भेजा जाता था, ठीक है। बट इसमें बहुत सारे कंफ्यूजन होते थे क्योंकि ये 17 ईयर में भी आ जाता था और कभी कभी डिले होकर के 21 तक पहुंचता था, तो यहाँ सही से डिसीजन नहीं होता था। तो मैंने बताया भी था कि जो हमारी हाइट बढ़ाने के लिए कार्टिलेज होती है, इसको एपिफाइसियल कार्टिलेज बोलते हैं, कल समझाया था मैंने, ठीक है। जिस दिन इस एपिफाइसियल कार्टिलेज का ऑसिफिकेशन यानी बोन में कन्वर्जन स्टार्ट हो जाता है,
समझ लो उस दिन आप मान लो आपकी 18 एज कंप्लीट हो चुकी है, ऑसिफिकेशन चालू हो गया है, मतलब आपकी 18 एज कंप्लीट हो चुकी है, 18 सेस का ऑसिफिकेशन चालू हो जाता है जो आगे 21 तक हो सकता है। ऑसिफिकेशन मिल रहा है मतलब आप 18 यानी 18 ईयर के हो चुके हो। ये कल मैंने समझा दिया था, कल ये भी बताया था मैंने, जो मिल्क डेंटिशियन होते हैं बेटा वो लगभग 2 ईयर में कंप्लीट आ जाते हैं। फिर इनका जो रिप्लेसमेंट है मैंने बताया था परमानेंट टीथ से 6 to 12 ईयर की एज में, समझ रहे हो ना, हो जाता है, समझ रहे हो ना मेरी बात। ये मिल्क टीथ की बात कर रहे हैं, यानी 20 टीथ की बात कर रहे हैं, रिमेनिंग 12 टीथ वो 21 ईयर तक आते हैं। इन जिसमें हमने बात किसी की, हमने बात की मोलर टीथ की, यहां तक क्लियर हो गया होगा। ये आज का टॉपिक चालू करना है बेटा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिवीजन भी मैंने करा दिया है बहुत अच्छे से, बिल्कुल ऐसे पढ़ा रहा हूं जैसे मानो तुम 11th के बिल्कुल जीरो से पढ़ रहे हो, तुम्हें कुछ भी नहीं आता है, कोशिश कर रहा हूं बहुत अच्छे से। सर क्लास 12th का बेटा, क्लास 12th का चल रहा है, आज शाम को है 6 PM क्लास, पर वो यूट्यूब पर नहीं है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर है, ठीक है। तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप आप इंस्टॉल करोगे, उसमें डॉक्टर मनीष दुबे सर्च में आप डालोगे तो मेरी क्लास मिल जाएगी। आज 7th लेक्चर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन का, 7th लेक्चर, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आज खत्म हो जाएगा और शायद गैमिटोजेनेसिस चालू हो जाएगी उसके अंदर, लैक्टेशन और मेमरी ग्लैंड आज फिनिश कराऊंगा मैं इवनिंग में 7 PM अन अकेडमी लर्निंग ऐप पर। डॉक्टर मनीष दुबे आप टाइप करेंगे सर्च में तो आपको मेरा लेक्चर मिल जाएगा, 7th लेक्चर है आज, ध्यान रखना 7th। तो बेटा आगे चलते हैं, डेंटल फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब डेंटल फॉर्मूला की बात कर रहे हैं बेटा, तो डेंटल फॉर्मूला हम किसके बेस पर बनाते हैं, समझाता हूं पहले तुम्हें। अगर हम डेंटल फॉर्मूला की बात करते हैं बेटा तो डेंटल फॉर्मूला इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ टीथ इन अपर हाफ जॉ अपॉन नंबर ऑफ टीथ इन लोअर हाफ जॉ। एंड नंबर ऑफ टीथ इन लोअर हाफ जॉ, समझना। तो हम डेंटल फॉर्मूला किसके बेस पर बनाते हैं, नंबर ऑफ टीथ इन अपर हाफ जॉ। अब हाफ ही क्यों लेते हैं बेटा, क्योंकि हर एक एनिमल के केस में इंक्लूडिंग ह्यूमन, भैया जो हाफ में टीथ होंगे सेम नेक्स्ट हाफ में भी उतने ही होंगे, सेम वही सिक्वेंस होगी, पर कभी कभी अपर और लोअर में वेरिएशन देखने को मिल जाता है, पर ह्यूमन के केस में नहीं मिलता, ठीक है। जैसे रैबिट है, रैबिट के केस में अपर और लोअर में अंतर देखने को मिलेगा, इसीलिए ये डेंटल फॉर्मूला ह्यूमन के लिए नहीं बनाया गया, सारे ही एनिमल के लिए बनाया गया है। तो नंबर ऑफ टीथ इन अपर हाफ जॉ अपन नंबर ऑफ टीथ इन लोअर हाफ जॉ। तो अपर हाफ में जितने होंगे उसका डबल कर दोगे, नहीं अपर हाफ में जो टीथ निकल के आएंगे उसमें इंटू टू कर देना, लोअर हाफ में इंटू टू कर देना, तो टोटल नंबर ऑफ टीथ निकल के आ जाएंगे। तो अब समझो, अब ह्यूमन की अगर मैं बात करूं बेटा तो ह्यूमन के अपर हाफ में इंसिसर कितने होते हैं आप जानते हो, 2 इंसिसर होते हैं हाफ में, तो उधर दूसरे हाफ में भी 2 होंगे। कैनाइन कितना होता है अपर हाफ में, आप बोलोगे सर 1 कैनाइन होता है। प्रीमोलर कितने होते हैं अपर हाफ के अंदर, आप बोलोगे सर 2 प्रीमोलर होते हैं। और अगर आपसे पूछे मोलर कितने होते हैं तो आप बोलोगे सर 3 मोलर होते हैं, और जिसमें थर्ड जो मोलर होता है उसको विजडम टीथ बोलते हैं। तो ये तो समझ में आ गया भाई, इंसिसर कैनाइन ये दोनों मिलाकर के प्रीमोलर और ये तीनों मिलाकर के मोलर, तो इंसिसर कितने हो गए 2, 1, 2, 3। तो डेंटल फॉर्मूला कैसे निकाला हो गया, तो डेंटल फॉर्मूला इक्वल टू क्या जाएगा, अपर हाफ में क्या इंसिसर कैनाइन प्रीमोलर मोलर अपॉन लोअर हाफ में इंसिसर कैनाइन प्रीमोलर एंड मोलर, समझ गए होगे। तो अगर मैं पूछूं ह्यूमन के केस में डेंटल फॉर्मूला क्या होगा, कि ह्यूमन के केस में इंसिसर नीचे भी 2 होते हैं, कैना नीचे भी 1 होता है, प्रीमोलर नीचे भी 2 होते हैं और मोलर नीचे 3 होते हैं, तो क्या बोलोगे 2, 1, 2, 3 अपॉन 2, 1, 2, 3। तो ह्यूमन के केस में जो डेंटल फॉर्मूला होता है एडल्ट का, एडल्ट ह्यूमन का क्या होगा 2, 1, 2, 3 अपॉन 2, 1, 2, 3।
यानी ये सबको क्लियर है कि सर डेंटल फॉर्मूला हमें समझ में आ गया कि एडल्ट का 2 1 2 3 यानी अपर हाफ का तो इंटू टू कर दोगे इसके अंदर, ठीक है, इजिकल टू 8 हो गया, इंटू 2 कर देना तो 16 आ जाएगा, लोअर हाफ में भी 8 हो गए तो इंटू 2 कर दोगे 16 आ जाएगा, तो आप 16 और 16 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 32। एक बात तो समझ में आ गई डेंटल फॉर्मूला हम निकालते कैसे, डेंटल फॉर्मूला होता क्या है, इसमें किसी को कोई डाउट है कि डेंटल फॉर्मूला है क्या? पता नहीं तुम लोग क्या क्या चैट करते रहते हो, ठीक है, पूरा फोकस, कुछ ही बच्चे होते हैं जो पता नहीं क्यों फालतू टाइम होता है उनके पास, आज बाकी बच्चे सीरियसली पढ़ रहे हैं, इस पोर्टल पर ढेरों सारे बच्चे होते हैं, ठीक है, और फिर भी फोकस एकदम पढ़ाई पर होना चाहिए, ठीक है। तो डेंटल फॉर्मूला की बात कर रहा हूं बेटा, समय बहुत कीमती है बेटा, एकदम फोकस करो, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, नेचर उसी को मौका देगी आगे बढ़ने का जो स्ट्रगल करके सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट बनने में कैपेबल होगा, ठीक है। हाँ बेटा, तो डेंटल फॉर्मूला समझ में आ गया, नंबर ऑफ टीथ इन अपर हाफ एंड नंबर ऑफ टीथ इन लोअर हाफ, समझ में आ गया होगा अपर हाफ लोअर हाफ। अब मैं क्योंकि क्वेश्चन पूछने वाला हूं सारे के सारे में, अब आगे बढ़ते हैं, अब समझ में आएगा कि समझ में आया या नहीं आया। तो डेंटल फॉर्मूला ऑफ एडल्ट ये तो आप निकाल लोगे कि मैंने जस्ट बताया ही है आपको डेंटल फॉर्मूला ऑफ एडल्ट, डेंटल फॉर्मूला ऑफ एडल्ट कैसे निकालोगे, इंसिसर कैनाइन प्रीमोलर मोलर अपॉन इंसिसर कैनाइन प्रीमोलर एंड मोलर, तो आप समझ गए डेंटल फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3 इक्वल टू 32 टीथ हो जाएंगे, ये तो आपको कोई डाउट किसी को है ही नहीं इसके अंदर। अब देखते हैं कौन बता पाता है बेटा, दिमाग लगाना बिल्कुल अच्छे से, अगर मैं देखो कौन तेजी से लिख पाता है। सेकंड नंबर बेटा, डेंटल फॉर्मूला ऑफ मिल्क टीथ यानी डेसीडुअस टीथ का डेंटल फॉर्मूला क्या होगा, फटाफट लिख के दिखाओ रवि बेटा, डेसीडुअस टीथ का, ये तो एडल्ट का हो गया, डेसीडुअस टीथ का डेंटल फॉर्मूला बताओ। तो डेसीडुअस टीथ का मतलब है 20 टीथ की बात कर रहा है, डेसीडुअस में कितने टीथ आते हैं 20, तो 20 में कौन कौन से टीथ होते हैं बेटा, इंसिसर होते हैं, कैनाइन होते हैं, प्रीमोलर नहीं होते, मोलर में भी आप जानते हो थर्ड मोलर नहीं होता, 1 and 2 मोलर होते हैं, तो डेंटल फॉर्मूला क्या आएगा 2 1 0 2, बहुत बढ़िया रवि बेटा, बिल्कुल सही, 2 1 0 2 upon 2 1 0 2, बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चों पर कुछ बच्चों ने 0 0 2 1 लिखा है, प्रियंका बेटा 0 0 2 1 नहीं होगा, दिमाग लगाओ, मैंने तुम तभी कहते हैं बायोलॉजी रटने की नहीं है, आप रटोगे तो गलती कर दोगे। अब देखो मैंने क्या बोला, इंसिसर होते हैं, कैनाइन होते हैं, प्रीमोलर नहीं होते, मोलर में भी 2 होते हैं, तो क्या लिखोगे आप, इंसिसर 2 होते हैं, कैनाइन 1 होते हैं, प्रीमोलर 0 होते ही नहीं है, मोलर कितने होते हैं 2, फिर क्या आएगा 2 1 0 2, टोटल कितना हो गया भाई, 5 ऊपर होंगे 5 नीचे होंगे तो इंटू 2 2 करोगे भाई काफी का तो है, तो कितने हो गए बेटा टोटल टीथ, नंबर ऑफ टीथ 20, इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। अब मैं पूछता हूं डेंटल फॉर्मूला ऑफ मोनोफायोडोंट टीथ, मोनोफायोडोंट में कौन कौन से टीथ होंगे बेटा, समझो मेरी बात, मोनोफायो में इंसिसर नहीं होंगे, कैनाइन नहीं होंगे बेटा, तो मोनोफायोडोंट कौन से होते हैं जो एक बार आते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, प्रीमोलर होते हैं और थर्ड मोलर होता है, यानी 2 तो प्रीमोलर हो गए और 1 थर्ड मोलर हो गया, तो ये मोनोफायोडोंट हो गए, याद आया ना, मोनोफायोडोंट 12 टीथ होते हैं, तो 2 और 1 3 3 3 3 3 12 हो गए ना, तो इनका डेंटल फॉर्मूला बनाना है, तो भाई मोनोफायोडोंट के अंदर ध्यान रखना है आपको, प्री इंसिसर नहीं होते, कैनाइन नहीं होते, प्रीमोलर 2 होते हैं, मोलर में भी 1 ही होता है थर्ड मोलर, क्लियर है बिल्कुल, तो समझ गए होगे आप, यहां पर इंसिसर 0 कैनाइन 0 प्रीमोलर 2 पर मोलर 1 ही होगा थर्ड मोलर, ऐसे ही 0 0 2 1, तो कितने हो गए बेटा 3 upon 3 यानी इंटू इंटू 2 करोगे तो टोटल 16 टीथ हो जाएंगे, सॉरी टोटल 12 टीथ हो जाएंगे, तो ये वाली बात क्लियर हो गई। अगर आपसे पूछे कि बताओ बेटा मोनोफायोडोंट में कितने टीथ होते हैं, तो आप समझ गए मोनोफायोडोंट का मतलब है 12 टीथ की बात कर रहा है, नंबर ऑफ टीथ कितने होते हैं मोनोफायोडोंट में 12, जिनमें आप समझ गए होंगे प्रीमोलर होते हैं और थर्ड मोलर होता है, कई बार बता चुका हूं मैं,
इन्हीं को काउंट करना है और बाद बचे हुए को क्या कर दोगे, जीरो कर दोगे। इंसिसर जीरो, कैनाइन जीरो, प्रीमोलर टू और थर्ड मोलर ओनली वन। तो ये डेंटल फॉर्मूला हो गया मोनोफायोडॉन टीथ का। यहां तक किसी को कोई डाउट? बिल्कुल सही, ध्यान रखना बेटा। तुम्हें YouTube पर फ्री में सुपर लेक्चर देखने को मिल रहा है, ये वो सुपर लेक्चर है, मैं क्या बताऊं उसके बारे में, ठीक है? कोई कॉस्ट नहीं है इस लेक्चर की, मतलब अनमोल। तो इसको प्रॉपर पूरा फायदा उठाओ उसका, जितना उठा सकते हो इन लेक्चर्स का, और एक एक कंसेप्ट क्लियर करो। मैं आपके एक एक कंसेप्ट में जीरो से स्टार्ट करके टॉप पर लेके जाने वाला हूं, ठीक है? तो बस मैं यही चाहूंगा कि डाइवर्ट मत हो, जितने लोगों को जोड़ सकते हो यहां जोड़ो, ठीक है? और जितना समझ सकते हो समझो, और जो डाउट आया आप यहां क्लियर कर दो। मैं एक भी डाउट छोड़ने वाला ही नहीं हूं, क्योंकि अब तक हजारों बच्चों को पढ़ा चुका हूं, तो मुझे इतना आइडिया होता है बच्चे के अंदर क्या क्या कहां कहां डाउट आ सकता है। वो सारी बातें मैं पहले ही क्लियर कर दूंगा आपको, कोशिश करूंगा डाउट आए ही ना, ठीक है? अब क्वेश्चन आता है डेंटल फॉर्मूला ऑफ, अगर आपसे पूछ ले कोई 16 ईयर ओल्ड का पर्सन है, बताओ डेंटल फॉर्मूला क्या होगा, तो दिमाग में आपके आएगा 16 ईयर। 16 ईयर का मतलब है उसके पास थर्ड मोलर नहीं है, और 16 तक लगभग सारे टीथ आ जाते हैं एक्सेप्ट थर्ड मोलर। तो आप क्या डेंटल फॉर्मूला बनाने वाले हो? भाई इंसिसर दो होंगे, कैनाइन वही एक होगा, प्रीमोलर दो होंगे, पर मोलर में अभी एक मोलर नहीं होगा। कौन सा मोलर नहीं होगा? थर्ड मोलर नहीं होगा, समझ गए ना मेरी बात? तो कितने मोलर बचे? टू। तो क्या आ गया? 2 1 2 2, यानी 7/7, यानी इंटू 2 2 करोगे बेटा तो कितने हो जाएंगे? 28 टीथ, यानी चार कम है। चार कम कौन से है बेटा? आप समझ जाओगे, थर्ड मोलर नहीं है, 16 ईयर की बात कर रहे हैं सर, तो अभी इसके पास थर्ड मोलर नहीं आया, वो 17 से 21 के बीच में आता है। तो डेंटल फॉर्मूला क्या जाएगा? 2 1 2 2 / 2 1 2 2, बिल्कुल सही बेटा। नेक्स्ट, यहां तक कोई बताओ, ये सारे फॉर्मूले हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं आता। डेंटल फॉर्मूला ऑफ एडल्ट, डेंटल फॉर्मूला ऑफ मिल्क टीथ, जिनको डेसीडोस टीथ भी बोल सकते हैं, प्राइमरी डेंटिशियन भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकता है यहां पर, और डेंटल फॉर्मूला ऑफ मोनोफायोडॉन टीथ भी पूछेगा, तो भी आप समझ जाओगे मोनोफायोडॉन टीथ 12 टीथ होते हैं, ठीक है? एडल्ट टीथ का वो पार्ट है जो नॉन रिप्लेसेबल होता है, एक ही बार आते हैं, ठीक है? इसलिए मोनोफायोडॉन। और 16 ईयर अगर पूछेगा तो समझ जाओगे 16 ईयर का मतलब है थर्ड मोलर नहीं है। यहां तक अगर सबको क्लियर है तो ओके लिख दो। ओके बेटा, ओके, ऑसम सर, नो डाउट, थैंक यू बेटा ऋषभ, थैंक यू बेटा। आगे चलते हैं अब, ठीक है? ये क्वेश्चन सर, मैंने सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई थी कल आपको, बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया, यानी एक भी डाउट आपका बचेगा नहीं इन क्वेश्चंस में। क्वेश्चन प्रैक्टिस एक बहुत सुपर तरीका होता है, यानी अगर हम थ्योरी के साथ उस थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चंस करते जाएंगे तो थ्योरी पढ़ने के साथ साथ हमारे सारे कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे। तुम्हें शायद पता नहीं है, मैं इनडायरेक्टली तुम्हें क्या क्या करा रहा हूं, तुम्हें एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन करा रहा हूं, तुम्हें इंडिया की टॉप मोस्ट मेडिकल बुक्स के सारे कंसेप्ट दे रहा हूं, ठीक है? तो इनडायरेक्टली तुम्हें हर चीज मिल रही है, बिल्कुल समराइज फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में, और कोशिश कर रहा हूं गागर में सागर, यानी कम से कम के अंदर मैं सब चीजें तुम्हारे दिमाग में सेट कर दूं। आगे बढ़ते हैं बेटा। तो बेटा हमारा बक्कल कैविटी वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है, इसको बक्कल कैविटी भी बोलोगे या ओरल कैविटी बोलोगे, आपका एकदम क्लियर है। बक्कल कैविटी के बाद हम चलते हैं फैरिंग्स, समझने की कोशिश करना बेटा। ये मान लो कोई इंसान है, ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका बकल कैविटी का, अब हम पढ़ने वाले हैं फैरिंग्स, समझना। एयर पाइप की ओपनिंग, और यहां होती है फूड पाइप की ओपनिंग, जिसको बोलते हैं ईसोफेगस, ठीक है? और ये हमारा फैरिंग्स, फैरिंग्स इज अ कॉमन पैसेज फॉर एयर एंड फूड। तो मैंने बोला गया फैरिंग्स क्या बेटा, इज अ कॉमन, इट इज अ कॉमन पैसेज फॉर एयर एंड फूड, क्योंकि आप जानते हो फेरिंग्स में ये इंटरनल नॉस्टिल होता है, यहाँ एक यू बुल्ला बताया था मैंने, ठीक है? यहाँ एपिग्लॉटिस बताया था। तो देखो इसको बोलते हैं फेरिंग्स,
की कोशिश करना। अगर मैं फेरिंग्स की बात करता हूं बेटा, तो फेरिंग्स के तीन पार्ट हो सकते हैं, ठीक है, डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट। यानी फेरिंग्स का वो पार्ट जो हमारी ओरल कैविटी में खुल रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, ओरोफेरिंग्स। समझना, फेरिंग्स का वो पार्ट जो हमारे नेजल चैम्बर में खुल रहा है, इसको बोलते हैं नेसोफेरिंग्स। और क्योंकि यहाँ साउंड बॉक्स होता है, नीचे होता है साउंड बॉक्स, तो साउंड बॉक्स होता है एयर पाइप के अंदर, तो जो पार्ट साउंड बॉक्स की साइड खुल रहा है, इसको बोलते हैं लैरिंगोफेरिंग्स। लैरिंग्स की साइड खुल रहा है, इसको बोलेंगे लैरिंगोफेरिंग्स। तो फेरिंग्स को थ्री पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। समझना पहले फेरिंग्स क्या है। फेरिंग्स इज अ कॉमन पैसेज फॉर एयर एंड फूड। एक बात तो क्लियर हो गई, एयर फूड का कॉमन पैसेज है, क्योंकि यहां से एयर भी हो सकता है, यहां से फूड भी हो सकता है। फेरिंग्स का वो पार्ट जो नेजल चैम्बर में खुलता है, उसको बोलते हैं नेजोफेरिंग्स, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एयर की एंट्री के लिए। फेरिंग्स का वो पार्ट जो हमारी ओरल कैविटी में खुल रहा है, इसको बोलते हैं ओरोफेरिंग्स। भाई ओरोफेरिंग्स में आप जानते हो, माउथ से एयर भी ले सकते हो, माउथ में फूड की एंट्री भी होती है। लैरिंग्स का वो पार्ट जो हमारे लैरिंग्स, समझना मेरी बात, फेरिंग्स का वो पार्ट जो लैरिंग्स की साइड होता है, साउंड बॉक्स को लैरिंग्स बोलते हैं, इसको बोलते हैं लैरिंगोफेरिंग्स। लैरिंगोफेरिंग्स की तरफ नीचे देखोगे तो दो चीजें हैं यहां पर। आप जानते हो एयर पाइप की ओपनिंग को तो क्या बोलते हैं, ग्लॉटिस, और फूड पाइप की ओपनिंग को क्या बोलते हैं, गलेट। यानी लैरिंगोफेरिंग्स की अगर मैं बात करूं तो उसमें दो पार्ट होते हैं, एक तो ग्लॉटिस और दूसरा गलेट। ग्लॉटिस एयर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि भाई ट्रेकिया में तो क्या जाएगी, इसमें तो लैरिंग्स में तो एयर ही एंटर करेगी, जबकि फूड पाइप में फूड एंटर करेगा, और गलेट की ओपनिंग में कौन एंटर करता है, फूड। तो बेसिक बात समझ में आ गई बेटा, फेरिंग्स है क्या, इट इज अ कॉमन पैसेज फॉर एयर एंड फूड। फेरिंग्स की जो मसल्स होते हैं, आप जानते हो जो मसल्स होते हैं, या किस टाइप के मसल्स होंगे, स्केलेटल मसल्स होंगे। अच्छा, आप में से कोई बता सकता है कि फर्स्ट टाइम फेरिंग्स किस एनिमल में वेल डेवलप्ड हुआ था ड्यूरिंग इवोल्यूशन। यानी अगर हम बात करते हैं पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, समझ रहे हो ना मेरी बात, एसके अलमंथीस, मतलब यहां हम चलते हैं, प्लेटी अलमंथीस, एसके अलमंथीस, यहां हम चलते हैं, तो फर्स्ट टाइम इन सब एनिमल में किस में फेरिंग्स फर्स्ट टाइम डेवलप हुआ था, बताओ तो जानू। देखो इतने कई ढेरों सारे बच्चों में कौन बच्चे ऐसे हैं जो फटाक से बता सकते हैं। फर्स्ट टाइम वेल डेवलप फेरिंग्स एनसीईआरटी की लाइन है, नीट में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। बर्ड में नहीं हुआ था बेटा, लोअर एनिमल में, इनवर्टिब्रेट में पहले कहां डेवलप हुआ था, कोशिश करो। जिराफ। अरे बेटा कॉर्डेटा में नहीं, नॉन कॉर्डेटा में आओ, इनवर्टिब्रेट में आओ। नाइस प्लेस, जिराफ। तुम्हें मेरी बात समझ में आती है, क्योंकि तुम लोग जो बातें करते हो तो बिल्कुल बहुत छोटे बच्चों वाली करते हो। मैं समझा रहा हूं तो मेरी बात समझ सुन तो रहे हो ना। चलो खैर कोई नहीं, बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हो, ठीक है। अब देखो मैं समझाता हूं, देखो सबसे पहले ये आता है क्वेश्चन, अभी मैं इनवर्टिब्रेट वर्टिब्रेट पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा ये वाली बात, ठीक है। तो एसके हेलमिंथीस, राउंड वॉर्म, एस्केरिस को बोलते हैं। तो सबसे पहले पॉरीफेरा आए बेटा, पॉरीफेरा कौन होते हैं, जिनमें जिनकी बॉडी में पोर होते हैं, पोर बियरर। पॉरी मतलब पोर, फेरा मतलब बियरर, यानी ऐसे एनिमल जो अपनी बॉडी के अंदर पोर को बियर करते हैं, वो पॉरीफेरा आ गए। लाइक स्पॉन्ज, उसमें तो ये चीजें होती ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद आगे इवोल्यूशन हुआ, फिर कौन आए बेटा, आप बोलोगे भाई सिलेंट्रेटा आए, सिलेंट्रेटा को हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो सिलेंट्रेटा के अंदर भी आप बोलोगे एक ही ओपनिंग होती है, जहां से फूड एंटर करता है और एग्जेक्ट होता है, ठीक है, तो वहां पर भी फेरिंग्स नहीं होता। फिर उसके बाद आगे टीनोफोरा, फिर आए प्लेटीएलमंथीज, प्लेटीएलमंथीज एंडोपैरासाइट होते हैं, जनरल बॉडी सरफेस से ही फूड को एब्सॉर्ब करते हैं, तो उनके केस में भी ये नहीं होता। बस उसके बाद आए एसके हेलमिंथीस, एस्केरिस, राउंड वॉर्म, हमारी गट में होते हैं बेटा, और हमारे डाइजेस्टिव फूड को गट गट करके पी जाते हैं। तो गट गट करके पीना किसकी हेल्प से होता है, फेरिंग्स की हेल्प से होता है। आप समझ रहे हो, आप पानी को गट गट करके पीते हो, किसकी हेल्प से पीते हो, आप बोलोगे स्केलेटल मसल्स ऑफ फेरिंग्स। फेरिंग्स के स्केलेटल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है, तब पानी आपका
कहाँ जाता है? फूड पाइप में एंटर करता है। तो फर्स्ट टाइम जो फेरिंग्स डेवलप हुआ था वो एसके हेलमन थी, राउंड वॉर्म में हुआ था बेटा। ये आता है क्वेश्चन, अभी मैं इनवर्टिब्रेट में पढ़ाऊंगा। तो फेरिंग्स का काम क्या है? फेरिंग्स का काम क्या है बोलो? आप बोलोगे डीग्लूटेशन। ये साइंटिफिकल टर्म है, ध्यान रखना पड़ेगा। नॉर्मल टर्म क्या बोलते हैं? सोलाइंग ऑफ फूड, फूड को, लिक्विड फूड हो कैसा भी, उसको निगलना, निगलने की मैकेनिज्म को बोलते हैं बेटा डीग्लूटेशन। ये कौन करता है? फेरिंग्स। अगर फेरिंग्स नहीं होगा तो आप फूड को निगल नहीं पाओगे। तो समझ में आ गया, फेरिंग्स है क्या बेटा? ये एयर और फूड का कॉमन पैसेज है। इसके थ्री पार्ट हो सकते हैं, नेसोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स। फंक्शन क्या होता है इसका? डीग्लूटेशन। डीग्लूटेशन का मतलब होता है सोलाइंग ऑफ फूड, खाने को निगलना। बस ये टर्म्स आपको याद रखने हैं। फेरिंग्स में इतना ही कराऊंगा, मोर देन सफिशियंट, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। अब आगे चलते हैं ईसोफेगस। समझना ईसोफेगस को हम क्या बोलते हैं? फूड पाइप। समझना, समझाता हूं पहले तो उसके बारे में। देखो बेटा, देखो हमारी दो कैविटी होती है, एक तो थोरेसिक कैविटी अपर वाली, और नीचे वाली कौन सी होती है? एब्डोमिनल कैविटी। नीचे वाली कौन सी होगी? एब्डोमिनल कैविटी। समझना बेटा, थोरेसिक कैविटी में आप जानते हो हर्ट होता है, हमारे लंग्स होते हैं, हर्ट होता है एटसेट्रा। तो कोई कोई आपसे पूछे बेटा कि थोरेसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट करने के लिए कौन सा स्ट्रक्चर होता है? आप बोलोगे मस्कुलर डायफ्राम। ये क्या स्ट्रक्चर है? इसको बोलते हैं डायफ्राम। तो मस्कुलर डायफ्राम एक सेप्टम है जो स्केलेटल मसल से मिलके बनता है बेटा। ये थोरेसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से अलग करने का काम करता है। पहली बात समझ गए होगे। क्वेश्चन आएगा इस मस्कुलर डायफ्राम को वो कौन सा स्ट्रक्चर है जो पेयर्स करता है? पेयर्स का मतलब है इसको भेदता हुआ थोरेसिक कैविटी से एब्डोमिनल कैविटी में एंटर करता है। तो आप बोलोगे फूड पाइप, ईसोफेगस, जिसकी लेंथ 20-25 सेंटीमीटर होती है बेटा। ये वो स्ट्रक्चर है जो इस डायफ्राम को, मस्कुलर डायफ्राम को थोरेसिक कैविटी से पेयर्स करते हुए एब्डोमिनल कैविटी में एंटर करता है। पहली बात। दूसरी बात, अगर मैं इस ईसोफेगस की बात करता हूं तो ईसोफेगस का समझना अपर वन थर्ड पार्ट, अपर वन थर्ड पार्ट तो बना होता है स्केलेटल मसल्स का। स्केलेटल का मतलब वॉलेंट्री मसल्स। वॉलेंट्री मसल्स, वॉलेंट्री मसल्स वो मसल्स होते हैं बेटा जो हमारे कंट्रोल में होते हैं, हमारी इच्छा के अनुसार काम करते हैं। तो ऊपर का जो वन थर्ड पार्ट है, एक तिहाई भाग है बेटा हमारी ईसोफेगस का, फूड पाइप का, जो हमारी बक्कल कैविटी या फेरिंग से जुड़ा हुआ है, ये टोटली स्केलेटल मसल से मिलकर बना होता है। और स्केलेटल मसल्स कैसे होते हैं? आप बोलोगे वॉलेंट्री मसल्स होते हैं, ऐच्छिक पेशियां होती हैं बेटा जो हमारे नियंत्रण में होती हैं, हमारे कंट्रोल में होती हैं। पहली बात। जबकि अगर मैं बात करूं लोअर इंफीरियर टू थर्ड पार्ट की, तो ये बना होता है स्मूथ मसल से। टोटल कैसी होती हैं? इन इनवॉलेंट्री होती हैं। इनवॉलेंट्री के मतलब जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, क्योंकि तो आप जानते हो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर मोस्टली ऑर्गन कैसे होते हैं? आप जानते हो इनवॉलेंट्री ऑर्गन होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, स्केलेटल मसल्स को छोड़ करके।
बस ध्यान रखना है स्केलेटल मसल्स हमारे ईसोफेगस के अपर वन थर्ड पार्ट में मिलती हैं, जबकि लोअर टू थर्ड पार्ट में स्मूथ मसल्स मिलती हैं। एक बात तो क्लियर हो गई होगी बेटा। यहां तक समझ में आ रहा है बेटा? निशु बेटा फोकस इधर करो, टोटल ध्यान इधर होना चाहिए। तो एक बात तो क्लियर होगी बेटा, ईसोफेगस को हम फूड पाइप बोलते हैं, जो थोरेसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से अलग करने का काम, थोरेसिक कैविटी में पेयर्स करते हुए एब्डोमिनल कैविटी में एंटर करने का काम करता है, यानी ये डायफ्राम को पेयर्स करने का काम करता है। कौन? ईसोफेगस, पहली बात। दूसरी, ईसोफेगस की बात करता हूं तो उसमें कितने टाइप के मसल्स होते हैं? दोनों टाइप के, अपर वन थर्ड पार्ट में स्केलेटल मसल्स और लोअर टू थर्ड पार्ट में स्मूथ मसल्स। यहां तक समझ में आए बेटा? यहां तक कोई डाउट बेटा? हाँ निशु बेटा, बहुत कोई शौरी की बात नहीं है, बस मैं चाहता हूं कि तुम्हें तुम्हारे अंदर इतनी सिंसियरिटी हो कि तुम जरा फोकस करो, जरा भी डाइवर्ट मत हो, ठीक है? समय बहुत कीमती है, ये चला गया दोबारा नहीं आएगा, पूरा फोकस इधर। हाँ बेटा, मसल्स समझ में आ गया। अब बात करते हैं, ये मसल्स वाला पार्ट तो एकदम क्लियर है आपको, कि हमारी ईसोफेगस का ऊपर वाला पार्ट जो हमारे फेरिंग से जुड़ा हुआ है, वो कहीं ना कहीं स्केलेटल मसल से मिलकर बना है, जो हमारे कंट्रोल में होती है, तभी तो हम डीग्लूटेशन कर पाते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार निगल पाते हैं फूड को अपनी इच्छा के अनुसार। पर लोअर वाला पार्ट जो टू थर्ड है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, वो टोटली इनवॉलेंट्री होता है, स्मूथ मसल से मिलकर बना होता है। पहला क्वेश्चन। दूसरा ध्यान रखना है आपको, ईसोफेगस में कोई भी डाइजेशन नहीं होता, ईसोफेगस में डाइजेशन की कोई मैकेनिज्म नहीं होती, यानी फूड का पाचन नहीं होता, यानी मैक्रो मॉलिक्यूल का माइक्रो मॉलिक्यूल में कन्वर्जन नहीं होता, समझ गए ना? ना ही ईसोफेगस में एब्जॉर्प्शन होता है, यानी दोनों ही चीजें ईसोफेगस में क्या होती हैं? एब्सेंट होती हैं। तो ध्यान रखना कि ईसोफेगस के किसने पूछेगा क्या क्या चीजें एब्सेंट होती हैं? डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन बोथ आर एब्सेंट इन केस ऑफ ईसोफेगस। ये एक फूड पाइप है जो फैरिंग्स को स्टमक से जोड़ता है, ये एक फूड पाइप है जो थोरेसिक कैविटी से एब्डोमिनल कैविटी में एंटर करता है, किसको? पेयर्स करते हुए, डाइफ्राम को पेयर्स करते हुए। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आगे पढ़ाऊंगा, पर यहां भी ऐड कर दिया, इसे दो बार रिविजन हो जाएगा। मैं अगर बात करूंगा आगे कि हमारी जो एब्डोमिनल कैविटी है बेटा, एब्डोमिनल कैविटी में जितने भी ऑर्गन होते हैं उनके चारों तरफ सिंपल स्क्वेमस एपिथीलियल टिश्यू से मिलकर बनी हुई एक लेयर होती है, पूरी एब्डोमिनल कैविटी में सब जगह हर एक ऑर्गन के चारों तरफ एक लेयर होती है, इसको बोलते हैं सीरोसा, समझना, या सिंपल स्क्वेमस एपिथीलियल टिश्यू से मिलकर बनी हुई पेरिटोनियम। और वो पेरिटोनियम जो हमारी गट के अराउंड होती है, उस पेरिटोनियम को नाम रख दिया हमने सीरोसा। तो ये सीरोसा जो है बेटा, जो बना रहा हूं मैं, समझना, ओनली प्रेजेंट इन एब्डोमिनल कैविटी या एलिमेंट्री केनाल विच प्रेजेंट इन एब्डोमिनल कैविटी, यानी लोअर ईसोफेगस में तो ये सीरोसा होगी, बट डायफ्राम से ऊपर वाला जो ईसोफेगस का पार्ट है, यहां पर सीरोसा नहीं होगी, यानी डायफ्राम से नीचे जितना भी ईसोफेगस का पार्ट है उसमें भाई एलिमेंट्री केनाल तो अब हमारी ईसोफेगस से चालू हो गई, फेरिंग से चालू हो गई। तो ध्यान रखना, डायफ्राम से नीचे जितना भी एलिमेंट्री केनाल का पार्ट है वहां आउटर लेयर सीरोसा होगी, पर डायफ्राम से ऊपर सीरोसा नहीं होगी। सीरोसा एक सिंपल स्क्वेमस एपिथीलियल टिश्यू से मिलकर बनी हुई एक लेयर होती है बेटा, जो हमारी गट या एलिमेंट्री केनाल के चारों तरफ होती है। बट होती ये कहां पर है? आप बोलोगे ओनली और ओनली एबडोमिनल कैविटी में। तो आप बोलोगे सर ईसोफेगस तो थोरेसिक कैविटी में भी है, तो यहाँ सिरोसा नहीं है तो क्या है? तो यहाँ सिरोसा की जगह एक और लेयर होती है, समझना, जो वाइट फाइब्रस टिश्यू यानी कॉलेजन फाइबर से मिलकर बनी होती है। तो सिरोसा की जगह यहां पर क्या होगी? सिरोसा यहां पर क्या होगी? एब्सेंट। नीचे सिरोसा क्या होगी? प्रेजेंट। तो यहां पर अपर ईसोफेगस में सिरोसा की जगह एक नई लेयर होगी, इसको बोलते हैं ट्यूनिका एडवेंटेशिया। लिख दिया है मैंने, इन अपर ईसोफेगस बेटा सीरोसा इज एब्सेंट बट ट्यूनिका एडवेंटेशिया इज प्रेजेंट। और ट्यूनिका एडवेंटेशिया की बात करता हूं तो ये क्या है? आप बोलोगे व्हाइट फाइब्रस टिश्यू है ये, हाँ ये व्हाइट फाइब्रस टिश्यू होते हैं जो ईसोफेगस के अराउंड होते हैं, पर थोरेसिक कैविटी में होते हैं, एब्डोमिनल कैविटी में
नहीं होते, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। इसोफेगस से रिलेटेड तीनों पॉइंट समझ में आ गए आपके। सबसे पहले लेंथ मैंने बताई दी आपको, मसल्स मैंने बताए अपर 1/3 में स्केलेटल और लोअर 2/3 में स्मूथ। इसोफेगस में डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन दोनों ही एबसेंट होते हैं बेटा, ठीक है। और पर अपर इसोफेगस की अगर मैं बात करता हूं, जो थोड़े से कैविटी में है, उसके अंदर सिरोसा नहीं होती, क्योंकि सिरोसा आउटर लेयर एलिमेंट्री केनाल की तो है, बट ये एब्डोमिनल कैविटी में जो एलिमेंट्री केनाल मिलती है उसी में मिलती है। थोरेसिक कैविटी में जो एलिमेंट्री केनाल मिलती है यानी अपर इसोफेगस, उसमें ये नहीं होती, उसकी जगह होती है ट्यूनिका एडवेंटेशिया। इट इज अ व्हाइट फाइब्रस टिश्यू। यहां तक क्लियर हो गया होगा, आगे चलते हैं। अब स्फिंक्टर, स्फिंक्टर समझते हो, एक तो होते हैं वॉल्व, वॉल्व यूनिडायरेक्शनल फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यूनिडायरेक्शनल फ्लो का मतलब है, समझना, मानो ये वेसल्स है, यहां पर एक वॉल्व लगा हुआ है, ये ऐसे ऐसे, यहां से मानो कोई ब्लड है, कुछ भी है, उसका फ्लो पीछे से आगे हो जाएगा, पर अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा तो वॉल्व होने नहीं देंगे। वॉल्व यूनिडायरेक्शनल फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर बेटा मैं वॉल्व की बात करता हूं, तो वॉल्व क्या करते हैं, यूनिडायरेक्शनल फ्लो। समझना, अगर मैं वॉल्व की बात करता हूं तो वॉल्व यूनिडायरेक्शनल फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, पर अगर मैं स्फिंक्टर की बात करता हूं, स्फिंक्टर मतलब चिमटी, समझ लो एक तरीके से, जैसे मानो एक और मैं डक्ट बना रहा हूं, ये डक्ट है, यहां पर स्फिंक्टर लगा हुआ है, अगर स्फिंक्टर बंद हो जाएगा तो किसी भी डायरेक्शन में फ्लो नहीं होगा, और स्फिंक्टर अगर खुल जाएगा तो किसी भी डायरेक्शन में फ्लो हो सकता है, यूनिडायरेक्शनल फ्लो हो सकता है। तो स्फिंक्टर एक चिमटी का काम करते हैं, समझना, जो अगर बंद हो जाए तो पाइप की ओपनिंग बंद हो जाती है, अगर वो खुल जाए तो पाइप की ओपनिंग खुल जाती है, बस इतनी सी बात है। तो दो चीजें बता रहा हूं बेटा मैं, एक तो वॉल्व और एक स्फिंक्टर, जो हम जगह जगह पढ़ेंगे। वॉल्व ओनली यूनिडायरेक्शनल फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जाने देते हैं पर वापस आने नहीं देते, पर स्फिंक्टर बाई डायरेक्शनल फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बंद हो जाते हैं तो किसी भी डायरेक्शन में फ्लो नहीं होगा, खुल जाएंगे तो दोनों डायरेक्शन में फ्लो होगा। यहां तक कोई डाउट है बेटा, यहां तक किसी को डाउट नहीं है, आप समझना मेरी बात। तो यहां दो टाइप के स्फिंक्टर, नंबर वन अपर इसोफेगल स्फिंक्टर, नंबर टू लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर। समझना ध्यान से देखो डायग्राम के अंदर, अपर इसोफेगल स्फिंक्टर जब बंद होता है तो एयर हमारी इसोफेगस में एंटर नहीं कर पाती, ये एयर की एंट्री को रोकता है। अगर मैं लोअर स्फिंक्टर की बात करता हूं, ये क्या काम करता है, इसको हम गैस्ट्रो इसोफेगल स्फिंक्टर भी बोल सकते हैं, ये एक तरीके से स्टमक के एसिड को ऊपर आने से रोकता है। समझ रहे हो ना मेरी बात, तो ध्यान रखना है अपर स्फिंक्टर है, यहां पर फेरिंग्स और ईसोफेगस जुड़ते हैं, वहां पर होता है, ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ एयर इनटू ईसोफेगस, यानी ईसोफेगस में एयर की एंट्री को रोकने का काम करता है। समझ गए होगे बेटा, स्फिंक्टर क्या होता है, चिमटी लाइक स्ट्रक्चर है, यानी एक तरीके से गार्डिंग सिस्टम है, जब खुल जाएगा तो किसी भी डायरेक्शन में, आप समझते हो कभी कभी वॉमिटिंग होती है, तो समझना वॉमिटिंग रिफ्लेक्स है, तो वॉमिटिंग देखा होगा स्टमक से मटेरियल कहाँ आता है, माउथ से होता हुआ बाहर, तो वॉमिटिंग के केस में आप समझ रहे हो सारा मटेरियल बाहर निकल गया, क्यों निकला होगा, स्फिंक्टर खुला होगा तभी तो निकला होगा, यानी स्फिंक्टर नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में भी फ्लो करा रहा है, फूड ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है, यानी स्फिंक्टर दोनों डायरेक्शन में फ्लो करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बट वॉल्व ऐसा नहीं करते। समझ में आ गया होगा। और लोअर स्फिंक्टर क्या होता है, तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड कार्डियक स्फिंक्टर भी बोल सकते हैं उसको। कार्डिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि जहां लोअर स्फिंक्टर होता है वहां पर हमारा क्या होता है, हार्ट होता है, तो हार्ट के पास होता है इसलिए हम इसको कार्डिक स्फिंक्टर भी बोलते हैं, या भाई ईसोफेगस और स्टमक के जंक्शन पर होता है, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड गैस्ट्रो ईसोफेगल स्फिंक्टर। ये करता क्या है, रेगुलेट करता है ओपनिंग ऑफ ईसोफेगस इनटू स्टमक, यानी यहां खुलेगा तो ईसोफेगस का खाना स्टमक में जाएगा और स्टमक का एससीएल हमारे माउथ में नहीं आएगा अगर ये बंद रहेगा तो दोनों स्फिंक्टर समझ में आ गए होंगे, स्फिंक्टर क्या होता है ये भी आ गया, और स्फिंक्टर दो होते हैं, एक फेरिंग्स और ईसोफेगस के जंक्शन पर होता है और दूसरा स्टमक और ईसोफेगस के जंक्शन पर होता है। तो फेरिंग्स और ईसोफेगस के जंक्शन पर है, इसको अपर ईसोफेगल स्फिंक्टर बोलते हैं,
और सेकंड वाले को लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर बोलते हैं। इट रेगुलेट द ओपनिंग ऑफ इसोफेगस इनटू स्टमक, यहां का कोई डाउट नहीं होगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोटेबल पॉइंट है, एनसीईआरटी में नहीं है इसलिए नोटेबल में डाल दिया है मैंने ये, ठीक है, बट इंपॉर्टेंट है। एक टर्म सुना होगा एक्लेशिया कार्डिया, समझाता हूं मैं, एक्लेशिया कार्डिया समझना, डायग्राम बना के समझाऊंगा। अक्सर छोटे बच्चों में देखने को मिलता है, आपने देखा होगा छोटे बच्चों को अगर कभी कभी क्या होता है वो वॉमिट कर देते हैं, कुछ भी खिलाओ तो वॉमिटिंग हो जाती है उनकी, समझना क्यों हो जाती है, ड्यू टू एक्लेशिया कार्डिया। मान लो इसोफेगस है, नॉर्मल केस में क्या होता है जब हम खाने को डीग्लूटिनेट करते हैं, निगलते हैं, तो खाना ईसोफेगस में आएगा और यहां से खुलकर के कहां पहुंच जाएगा, ये स्टमक में। और कब खुलेगा, जब ये वाला स्फिंक्टर क्या कर जाएगा, ओपन। पर मान लो आपने खाने को डीग्लूटिनेट किया, छोटे बच्चों के केस में होता है, और स्फिंक्टर ओपन नहीं हो पाया तो खाना कहां पर इकट्ठा हो जाएगा, लोअर ईसोफेगस में, खाने का क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेशन हो जाएगा, समझना। अगर लोअर इसोफेगस में खाने का एक्यूमुलेशन होगा तो समझना खाने को निगलने में पेन क्रिएट होगा, या कभी कभी ये क्या हो जाएगा, बाहर रिफ्लेक्शन से कहां जाएगा, बाहर आ जाएगा, वॉमिट हो जाती है छोटे बच्चों को। खाना अगर स्टमक में नहीं आएगा तो हमारे ब्रेन में एक पार्ट होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा, पढ़ाऊंगा आगे, ये अपोजिट रिफ्लेक्स कर देता है, यानी नीचे से खाने को ऊपर की साइड में धकेलना चालू कर देता है, तो खाना कहां जाता है, बाहर। तो समझना मेरी बात, इसी को बोलते हैं एक्लेशिया कार्डिया, व्हेन कार्डियक स्फिंक्टर, कार्डियक नीचे वाले को बोलते हैं, फेल टू रिलैक्स, रिलैक्स का मतलब खुल जाना प्रॉपरली, फूड एक्यूमुलेट इन ईसोफेगस, समझना। तो हमारा फूड कहां पे इकट्ठा हो जाएगा, लोअर ईसोफेगस में, तो इससे क्या होता है, हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा रिफ्लेक्स करके इसको बाहर निकाल देता है, वॉमिट हो जाती है, इसी को बोलते हैं एक्लेशिया कार्डिया। समझ में आ गया होगा एक्लेशिया कार्डिया क्यों होता है, ड्यू टू, समझना मेरी बात है, ड्यू टू फेल टू रिलैक्स कार्डियक स्फिंक्टर, यानी कार्डियक स्फिंक्टर के रिलैक्सेशन का ना हो पाना, समझ रहे हो ना मेरी बात, अगर वो ओपन नहीं होगा तो फूड हमारा लोअर इसोफेगस में डिपॉजिट हो जाएगा और रिफ्लेक्शन से बाहर आ जाएगा, इसी टर्म को, इसी को बोलते हैं एक्लेशिया कार्डिया, बच्चों में देखने को मिलता है अक्सर कर। अब नेक्स्ट आ जाओ हार्ट बर्न, ये बहुत बड़ी समस्या है, सभी को पता है एक्लेशिया कार्डिया के बाद सेकंड बता रहा हूं हार्ट बर्न। कई बच्चों को देखा होगा उनको लगता है कि उनका हार्ट जल रहा है, बर्न हो रहा है, खट्टी डकारें आ रही हैं, एसिड की बम्पिंग हो रही है ईसोफेगस के अंदर। अब समझना समझाता हूं, इसका सेकंड केस हो गया, जब आप खाने को निगलते हो तो खाना कहां पहुंचेगा, सीधा स्टमक में, जब खाना स्टमक में आ जाता है, फूड स्टमक में आ जाता है, तब हमारे हमारे दोनों स्फिंक्टर होते हैं यहां पर, एक स्फिंक्टर तो कार्डिक होता है, एक और होता है बताऊंगा आगे, यहां पर पाइलोरिक, ये बंद हो जाते हैं और हमारे स्टमक में HCl का बनना चालू हो जाता है, HCl का बनना चालू हो जाता है, HCl, और फिर क्या होता है, अच्छे से हमारे स्टमक में कॉन्ट्रेक्शन होते हैं और हमारे फूड का अच्छे से डाइजेशन होता है। पर कभी कभी समझना ये स्फिंक्टर प्रॉपर क्लोज नहीं हो पाता, खुला रह जाता है, तो कॉन्ट्रेक्शन से एसिड कहां जाएगा, ईसोफेगस में, एसिड कहां जाएगा, HCl, ईसोफेगस में, जब एसिड ईसोफेगस में जा, समझना मेरी बात, क्या इट इज कॉज दिस, इन दिस केस कार्डियक स्फिंक्टर फेल टू कॉन्स्ट्रिक्ट प्रॉपरली, समझना मेरी बात, जब खाने की एंट्री हो जाती है तो कार्डिक स्फिंक्टर क्या कर जाना चाहिए, कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाना चाहिए, पर प्रॉपर कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं कर पाया, खुला रह गया, खुला रह गया तो क्या होगा, यहां से HCl कहां जाएगा बेटा, हमारा ईसोफेगस में, जब HCl ईसोफेगस में जाएगा तो देखो इससे क्या होगा, आपकी ईसोफेगस में जलन होगी, और जहां ईसोफेगस में जलन होती है उसी के पास आपका हार्ट होता है, तो ऐसा लगता है आपका हार्ट जल रहा है, इसी को बोलते हैं हार्ट बर्न, समझना। अब डेंजरस क्यों है आपको पता नहीं है, आज की डेट में ईसोफेगल कैंसर का यही कारण है, जो लोग खाने टाइम से खाना नहीं खाते, इरेगुलर तरीके से खाना खाते हैं, समझना मेरी बात, या बहुत सारे तरीके हैं उनके केस में, मतलब या जो
ऑयली चीजें ज्यादा खाते हैं या बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, तो उनके केस में क्या होता है, एसिड की बंपिंग होती है, और एसिड की बंपिंग होने से हमारे ईसोफेगस में अल्सर बनने चालू हो जाते हैं। और जब ईसोफेगस में अल्सर बनने चालू हो जाते हैं ड्यू टू एसिड, तो एक दिन ऐसा आता है दीज अल्सर कन्वर्ट इंटू कैंसर। इसको बोलते हैं ईसोफेगल कैंसर, खाने की नली में होने वाला कैंसर, जो आज की डेट में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन में देखने को मिल रहा है। आप ही ध्यान से देखना, आपके आसपास अगर किसी को कैंसर होगा तो पूछना कहाँ का कैंसर है, वो बोलेगा खाने की नली का कैंसर है। तो खाने की नली में कैंसर होना, यानी फूड पाइप में कैंसर होना, या हमारी एलिमेंट्री कैनाल में कैंसर होने के बहुत सारे कॉज हैं। हम जंक फूड खाते हैं, ये भी कॉज है। हम डिब्बे बंद वाला फूड खाते हैं, ये भी कॉज है। समझ रहे हो, हम पेस्टिसाइड कंटेनिंग फूड खा रहे हैं, ये भी कॉज है। हम पिज्जा बर्गर खा रहे हैं, ये भी कॉज है। पर एक कॉज ये भी है कि इस स्फिंक्टर का प्रॉपर बंद ना होना, या एसिड का ओवर सीक्रेट होना, जिसको एसिडिटी कहते हैं। समझ रहे हो, जितना डेंजरस। एसिडिटी थोड़ी बहुत है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर कभी भी थोड़ी बहुत एसिडिटी हो तो हमें कुछ ना कुछ खा लेना चाहिए। कुछ भी खाओगे तो तुरंत ही क्या हो जाएगा, एसिड के संग वो ड्यूडेनम में, एसिड का चला जाएगा ड्यूडेनम में। आपने कुछ भी चीज इंटेक की तो फूड का जाएगा आपका स्टमक में, स्टमक में फूड जाते ही आपका नीचे वाला स्फिंक्टर खुल जाएगा और एसिड और फूड का चले जाएंगे ड्यूडेनम में, और ड्यूडेनम में सारे एसिड को न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है, तो एसिडिटी से हम बच जाएंगे। पर अगर आप खाओगे नहीं कुछ, खाली पेट रखोगे, तो एसिड की पंपिंग कंटिन्यू रहेगी, और ऐसा होने पर धीरे धीरे, एक बार में कुछ नहीं होगा, पर ये रेगुलर कर ऐसा होता रहेगा, तो ईसोफेगल कैंसर होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। समझना, जो डेंजरस कंडीशन है। एसिडिक कंटेंट्स ऑफ द स्टमक मूव अप इन द ईसोफेगस, देयर इज बर्निंग सेंसेशन इन ईसोफेगस। इसी को बोलते हैं हार्ट बर्न। देखने में बड़ा कॉमन सा लग रहा है, पर अगर इस पर लापरवाही की गई तो दिस इज अ इनो बेटा। इनो आप ले लोगे, पर इस इनो लेने से क्या हो जाएगा, इनो लेने से आप स्फिंक्टर को बंद नहीं कर पाओगे। समझ रहे हो ना मेरी बात, इनो टेम्परेरी उपचार है, परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है। आप इनो लो, इससे अच्छा तो है क्या करो, प्रॉपर टाइम टू टाइम फूड इंटेक करो, ठीक है, सैलेड प्रॉपर खाओ, एसिडिटी की प्रॉब्लम कम से कम होगी। बट समझ रहे हो ना मेरी बात, समझ में आ गया, दिस इज डेंजरस कंडीशन, कि खाली पेट मत रहो, ये एसिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और हार्ट बर्न के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। अब आते हैं नेक्स्ट, स्टमक एनसीईआरटी की लाइन, जो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है स्टमक के ऊपर। पहला क्वेश्चन आएगा, जो हमारा स्टमक होता है बेटा कैसा होता है, आप बोलोगे मस्क्यूलर ऑर्गन है। कैसा है, मस्क्यूलर ऑर्गन है। शेप कैसी होती है, जे शेप होता है। एनसीईआरटी की लाइन डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ये फूड को कितने टाइम के लिए स्टोर करता है, इसका काम है 4 to 5 आवर के लिए फूड को स्टोर करना। तो तीन बातें ध्यान रखनी है आपको स्टमक के केस में, मस्कुलर ऑर्गन होता है बेटा, जे शेप होता है, ये फूड को 4 to 5 आवर के लिए स्टोर करने में कैपेबल होता है। प्रोसेस ऑफ डाइजेशन में बताऊंगा, अगर कभी आपने देखा हो, कभी समोसा खाया हो, खूब भूख लगी हो आपको, खूब भूख लगी हो, एक समोसा खा लेना। जब समोसा खाओगे बेटा तो समोसे में लिपिड होता है, और लिपिड की वजह से यहां के दोनों स्फिंक्टर क्या हो जाते हैं, बंद। क्योंकि नेचर चाहती है, आप जानते हो दो टाइप के स्फिंक्टर होते हैं, एक तो गैस्ट्रो ईसोफेगल स्फिंक्टर, वो ये वाला स्फिंक्टर है, और दूसरा होता है पाइलोरिक स्फिंक्टर, वो ये वाला स्फिंक्टर है। जब पाइलोरिक स्फिंक्टर और गैस्ट्रो ईसोफेगल स्फिंक्टर बंद हो जाते हैं, तब आपका समोसा आपके स्टमक में 4 से 5 घंटे तक पड़ा रहेगा, यानी आपके स्टमक की 4 to 5 आवर फूड को स्टोर करने की कैपेसिटी है, और आपको पेट भरा भरा लगेगा। तो समझ में आया कि हमारे स्टमक में तीन पॉइंट, एनसीईआरटी की लाइन, मस्कुलर ऑर्गन होता है, जे शेप होता है, दिख भी रहा होगा, जे शेप नजर आ रहा होगा आपको, जे इस तरीके से, ऐसे जे शेप ऑर्गन है जो फूड को 4 to 5 आवर के लिए स्टोर कर सकता है। एक क्वेश्चन और बनता है एनसीईआरटी की लाइन है डायरेक्ट, इसकी पोजिशन कहां पर लोकेटेड होता है, लोकेटेड इन अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। अपर लेफ्ट, आप ध्यान से देखोगे, जो डायफ्राम हो गया, डायफ्राम में ये ईसोफेगस, ईसोफेगस के बाद ये ऐसे लेफ्ट साइड में होता है, तो अपर ऊपर की साइड में होगा, लेफ्ट साइड में होगा, समझ गए, अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी तरीके से होगा, अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, मेरी बात समझ, लेफ्ट सॉरी इधर कर दिया, थोड़ा ऐसे होगा, उठा हुआ ऐसे ऐसे होगा, लेफ्ट इधर होगा, इधर राइट कहेंगे इसको, समझना बेटा। तो
तो बताया मैंने कि अगर मैं इसके स्टमक, जैसे ये मानो ये इसोफेगस है, ये इसोफेगस, तो ये हो गया लेफ्ट, ये हो गया राइट, तो कहां पर होगा? ऊपर, यहाँ डायफ्राम होगा, डायफ्राम यानी ऊपर के एब्डोमिनल कैविटी में, डायफ्राम के पास होगा, अपर लेफ्ट पोर्शन में होगा, इट लोकेटेड इन द अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। इसको फोर पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री और नंबर फोर। समझना मेरी बात, तो एक बात तो समझ में आ गई बेटा कि ये होता कहाँ है, अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी में होता है। इसके फोर पार्ट हैं, समझना। ये जो उठा हुआ पार्ट दिख रहा है ना आपको, इसको बोलते हैं फंडस, उठा हुआ पार्ट इज अ फंडस। क्वेश्चन आएगा ईसोफेगस स्टमक के किस पार्ट से जुड़ी हुई होती है, इस छोटे से पार्ट को हम बोलते हैं कार्डियक। समझना, कार्डियक कौन सा पार्ट है, छोटा सा पार्ट। तो ईसोफेगस किससे जुड़ी होती है, कार्डियक वाले पार्ट से जुड़ी होती है। तो मैं लिख दे रहा हूं, कार्डियक किससे कनेक्टेड होती है, ईसोफेगस। ये क्वेश्चन आएगा डायरेक्टली, ठीक है। और ध्यान रखो, ये फंडक वाला पार्ट तो ये हो गया, कार्डिक वाला पार्ट ये हो गया, और ये लास्ट वाला पार्ट तो आपको दिख रहा है, ये लास्ट वाला, ये पाइलोरिक। पाइलोरिक वाले पार्ट में क्या जुड़ा हुआ है, पाइलोरिक वाले पार्ट में हमारी ड्यूडेनम जुड़ी हुई है। तो ड्यूडेनम किस जुड़ी होती है, पाइलोरिक वाले पार्ट में। लिख दो, पाइलोरिक वाले पार्ट में क्या जुड़ी हुई है, ड्यूडेनम। तो दो बहुत इंपॉर्टेंट है कि पाइलोरिक से जुड़ी होती है ड्यूडेनम और कार्डिक से जुड़ी होती है ईसोफेगस। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, पहले और क्वेश्चन तो ये आएंगे। फंडस कौन सा पार्ट होता है, जो उठा हुआ पार्ट है, समझना, जो डायफ्राम से जुड़ा हुआ पार्ट है उसको हम बोलते हैं फंडस, और रिमेनिंग बीच वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, बॉडी। रिमेनिंग पार्ट को हम क्या बोलते हैं, बॉडी। तो चारों पार्ट समझ में आ गए बेटा कि हमारे स्टमक को फोर पार्ट में डिवाइड किया है, ईसोफेगस जहां जुड़ती है कार्डियक, ड्यूडेनम जहां जुड़ती है पाइलोरिक, डायफ्राम से जो अटैच पार्ट है लेफ्ट साइड में उसको फंडस, और रिमेनिंग मिडिल पार्ट को हम बोलते हैं बॉडी। तो ध्यान रखना, इट इज लोकेटेड इन अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी एंड हैज फोर मेजर पार्ट। समझ में आ गए होंगे, कार्डियक, फंडस, बॉडी एंड पाइलोरस। आगे चलते हैं, स्फिंक्टर दोनों समझ में आ गए, एक तो गैस्ट्रो इसोफेगल स्फिंक्टर, गैस्ट्रो इसोफेगल इसलिए बोलते हैं कि स्टमक और इसोफेगस को कनेक्ट करता है, जंक्शन पर होता है। कार्डिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहां पर हर्ट होता है, और पाइलोरिक स्फिंक्टर पाइलोरिक वाले पार्ट में होता है। इसके अलावा ध्यान से देखो, आप कितना भी खाना खाते जाओ आपका स्टमक फटेगा नहीं, क्योंकि तो स्टमक में क्या होते हैं, इस तरीके से रिंकल्स होते हैं, बैंड्स होते हैं, इन बैंड को हम क्या बोलते हैं, रूगे। क्या बोलते हैं बेटा, रूगे। मैंने पैलेट में भी बताए थे, जब आपको माउथ पढ़ाया था पैलेट में फोल्ड बताए थे, इनको पैलेटाइन रूगे बोलते हैं। ऐसे ही रूगे हमारे स्टमक में भी होते हैं, समझना। पर कब, जब हमारा स्टमक खाली होगा, व्हेन द स्टमक इज रिलैक्स्ड या एम्प्टी, खाली है, तब क्या होता है, हमारे स्टमक की जो म्यूकोसा होती है उसमें प्रोमिनेंट फोल्ड होते हैं, इनको बोलते हैं गैस्ट्रिक रूगे। यानी स्टमक क्या होता है, खाना खाते जाओगे तो रूगे खुलते जाएंगे, ये फोल्ड खुलते जाएंगे। समझ रहे हो ना मेरी बात। तो जो हमारे स्टमक में, पर ये कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बच्चे समझते हैं सर ये तो विलाई देखने में लग रहे हैं, ये विलाई नहीं है बेटा, विलाई जैसे स्ट्रक्चर है पर विलाई नहीं है, विलाई ओनली प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक में विलाई नहीं होते। समझ गए होगे बेटा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हमारे तालू में भी होते हैं, बताया था मैंने पैलेटाइन रूगे, और फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हमारे स्टमक में भी होते हैं, इनको बोलते हैं गैस्ट्रिक रूगे। नेक्स्ट बेटा, भाई स्टमक क्या, हर ऑर्गन के चारों तरफ सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बनी हुई एक लेयर होती है, इसको बोलते हैं पेरिटोनियम। तो वो पेरिटोनियम का डबल फोल्ड हमारे स्टमक के चारों तरफ भी होता है, समझ रहे हो ना। तो पेरिटोनियम सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बनी होती है। तो सीरस मेम्ब्रेन भी बोल सकते हो, जो मैं आगे पढ़ाऊंगा। सीरस मेम्ब्रेन का मतलब है ऐसी कोई लेयर जो किसी फ्लूड को रिलीज करती है, उसको सीरस मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। वो आगे की कहानी है, अभी का नहीं है, बस अभी समझो कि हर एक ऑर्गन के चारों तरफ सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बनी हुई एक लेयर होती है बेटा, इसको हम पेरिटोनियम बोलते हैं, समझना। एब्डोमिनल कैविटी के अंदर जितने भी ऑर्गन होते हैं उनके चारों तरफ पेरिटोनियम होती है, और एब्डोमिनल कैविटी में भी ये लेयर होती है, इसको हम पेरिटोनियम बोलते हैं।
यही पेरिटोनियम हमारी गट के चारों तरफ ही होती है, पर उसका नाम अलग रख दिया सीरोसा, पर होती सब जगह पेरिटोनियम ही है। तो ये तो स्टमक की कहानी होगी बेटा। स्टमक तक किसी को कोई डाउट है? स्टमक तक बेटा किसी को कोई डाउट? कैसा भी म्यूकोसा क्या है बेटा, बताने वाला हूं, आगे यही टॉपिक चलेगा, समझा देता हूँ, हल्का सा हिंट देता हूं मैं आपको म्यूकोसा का, समझना बेटा। तो बच्चा म्यूकोसा पूछ रहा है, समझना बेटा। हमारी इंटेस्टाइन या हमारी गट या हमारी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, मैं अभी लेयर्स बताने वाला हूं अगले लेक्चर के अंदर, अगले में ये आ जाएगा। तो सबसे अंदर की जो लेयर होती है बेटा, जो म्यूकस, म्यूकस समझना, एक एक विस्कस सब्सटेंस होता है लाइक अ नोज, समझ रहे हो? तो म्यूकस से जो लाइन होती है इसको म्यूकोसा बोलते हैं, और इसके पीछे वाली लेयर को बोलते हैं सब म्यूकोसा। उसके पीछे एक लेयर होती है जो मसल से मिलकर बनी होती है, मस्कुलरिस एक्सटर्ना, और सबसे बाहर होती है सीरोसा, सिंपल स्क्वेमस। यानी म्यूकोसा हमारी एलिमेंट्री कैनाल की सबसे अंदर की लेयर होती है बेटा, जो मैं आगे बताने वाला हूं अगले लेक्चर में, इसकी पूरी एनाटॉमी आएगी। यानी हमारी एलिमेंट्री कैनाल की चारों लेयर आएंगी, सबसे अंदर ल्यूमिन में जो होती है म्यूकोसा, जो म्यूकस से इंटरनली लाइंड होती है, आस्तरित होती है, यानी म्यूकस की एक लेयर होती है उसको म्यूकोसा बोलते हैं। उसके ठक ठीक पीछे सब म्यूकोसा, यानी म्यूकोसा के पीछे सब म्यूकोसा। उसके पीछे एक मस्कुलर लेयर होती है जिसकी वजह से हमारी एलिमेंट्री कैनाल में कॉन्ट्रेक्शन होते हैं, और सबसे बाहर कवरिंग होती है इसको सीरोसा बोलते हैं, जो जो अपर ईसोफेगस में नहीं होती। ये मैं अगले लेक्चर में बताने वाला हूं। तो यहां तक मैं मान के चल रहा हूं सबके कंसेप्ट क्लियर हैं, स्टमक तक किसी को कोई डाउट नहीं है। अगली क्लास के अंदर मैं इंटेस्टाइन खत्म करूंगा, गट की एलिमेंट्री कैनाल कराने वाला हूं, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो ना मेरी बात? यहां तक किसी को कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछो, कहीं कोई भी डाउट हो तो बेटा आप मुझसे पूछ सकते हो। यहां तक रिमेनिंग पार्ट में आगे स्टार्ट करूंगा, क्योंकि आज इतना ही रखते हैं। शाम को 6 PM से 12th का बैच चालू हो जाएगा बेटा, किसी को ज्वाइन करना है तो वो कर सकता है। कल हमारी क्लास रहेगी सेम टाइम पर, संडे को हमारा ऑफ रहेगा, संडे को क्लास नहीं रहेगी, संडे को ओनली 12th की क्लास होगी। 12th की अल्टरनेटिव क्लास आती है शाम को 6 PM टू 7:30, 11th की पर डे क्लास आती है एक्सेप्ट संडे 4 PM टू अप्रोक्सीमेट 5:15 या कभी कभी 5:30। यहां तक किसी को कोई डाउट है बेटा? आज क्वेश्चन है बेटा, पर क्वेश्चन मैं आगे, मैंने बनाए तो हैं क्वेश्चन, वो आगे हैं, बट उन क्वेश्चन मैं क्रिएट करूंगा, बट अभी नहीं, आज मैं कल नेक्स्ट क्लास में ऐड करूंगा क्वेश्चन, टॉपिक पूरा हो जाएगा तब क्वेश्चन डालूंगा मैं। यानी कल टॉपिक कंप्लीट, ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा गट वाला, तो कल पोल जनरेट कर रहा हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, टॉपिक फिनिश होते ही मैं क्वेश्चन जनरेट कर दूंगा, ठीक है? तो कल हमारे क्वेश्चन आ जाएंगे, आज तक इतना ही हम फिनिश लिख करके चल रहे हैं, ठीक है? ओके बेटा, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। पूरा दिमाग लगाओ, मन लगाओ, एकदम फोकस करो पढ़ाई के ऊपर, और कोशिश करो जितनी देर यहां पढ़ो उतनी देर फोकस्ड रहो, एकदम फोकस्ड। बस मैंने तुमसे इतना ही कहा है कि जितनी देर यहां रहो क्लास में उतनी देर एकदम अलर्ट रहो। मैं रिवाइज भी कराऊंगा, मैं याद भी करा दूंगा, मैं कंसेप्ट भी क्लियर कराऊंगा, और हर तरीके के क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा। यानी तुम्हारा कंप्लीट मटेरियल है बेटा, कुछ भी नहीं छूटेगा, एक एक तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर रहेंगे। बस एक ही रिक्वेस्ट है मेरी, जितनी देर क्लास में रहो एकदम अलर्ट रहो, फोकस्ड रहो, 100% सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। ऑल द बेस्ट बेटा।